हाय फ्रेंड्स, स्वागत है और एक वीडियो पे। चलिए दोस्तों, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ये निफ्टी इंडेक्स का। मैं यहाँ पे आप लोग को मैं लाइव 5 मिनट्स का जो मेरा बाय सेल इंडिकेटर है, जैकपॉट इंडिकेटर, उसको मैंने आप लोग को मैं दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा कि ये कैसा सिग्नल देता है। यहाँ पे मैं जो टारगेट रहता है मेरा, जो इंडिकेटर है उसको मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है, और एक मास्टर इंडिकेटर है उसको भी मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है, क्योंकि ये मेरा पेड सेटअप है। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, फिर मेरे को फिर बोलिएगा, ठीक है। ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, तो इसको मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके इसको मैं आप लोग को मैं लाइव दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना तारीख का है, आप लोग देख सकते हैं ये 9 अप्रैल का है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 तारीख वेडनेसडे से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम आप लोग के सामने लाइव टेस्ट करवा लेते हैं, और आप लोग भी देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये कैसा वर्क करता है मेरा जो 101% नॉन रिपेंड बाय सेल इंडिकेटर है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने मेरा जो टारगेट का लेवल्स है वो इंडिकेटर को मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है, और यहाँ पे और एक मास्टर इंडिकेटर है उसको भी मैंने यहाँ पे हाइड करके रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी मार्केट ओपन हो गया है। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह मार्केट ओपन हो गया है, देख सकते हैं ये 9:15 को यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है, 9:15 को देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है, स्कैंडल पे बाय का सिग्नल दिया है। और देखिए इसका हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग को यहाँ पे एंट्री लेना है। तो चलिए देख लेते हैं, इसका हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना है। तो देखिए आप लोग के सामने ही है, जो कुछ भी हो रहा है आप लोग के सामने ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोग के सामने। देखिए इसका हाई को अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे एंट्री लेना है, नहीं तो फिर नहीं लेना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे है, देखिए यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेरा जो हाइड करके रखा है वो इंडिकेटर ने यहाँ पे सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी इनवैलिड हो गया, ये भी इनवैलिड हो गया है, ठीक है। तो अभी जाके हम लोग देखेंगे फिर यहाँ पे अगर कहीं पे अगर बाय का सिग्नल देता है या फिर नहीं देता है, ठीक है। तो देखिए वेट कीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी ये बाय का सिग्नल दिया है, कितना टाइम के, 1:10 पे। और इसका हाई के अगर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना है, और इस कैंडल के नीचे हम लोग को एसएल रखना है। और यहाँ पे जो मेरा मास्टर इंडिकेटर है उसने भी ऑलरेडी बाय का सिग्नल दे चुका है, ठीक है। और ये मेरा जो टारगेट का लाइन है, जो मेरा इंडिकेटर है, उसने भी यहाँ पे टारगेट का सिग्नल दे दिया है, जो कि मैं यहाँ आप लोग को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए चेक करके बता देते हैं लाइव मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका हाई को ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और यहाँ पे एंट्री लेते हैं। तो देखिए आप लोग के सामने ही है फ्रेंड्स, आप लोग के सामने ही है ये कैसे वर्क किया है। देखिए ये 10 अप्रैल का है, ठीक है, और मार्केट देखिए ऊपर चला गया। आप लोग के सामने ही है, जो कुछ भी हो रहा है आप लोग के सामने ही हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ तक मार्केट ने जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो चलिए मैं आप लोगों को तो यहाँ पे देखा दिया कि यहाँ से 720 से ये आप लोगों को कितना पॉइंट दिया, 774 पॉइंट तक तो चला गया, ठीक है। तो आप लोग को मैं अभी दिखा देता हूँ कि जो मैं निफ्टी का, सॉरी, मैं आप लोग को मिड कैप निफ्टी का मैंने जो बाइक का कॉल दिया था वो कहाँ पे मैं दिया था, वो भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा मिड कैप निफ्टी का, देख सकते हैं ये 10,925 का सी है, और टाइम फ्रेम 5 मिनट से। मैं आप लोग को कहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था आप लोग को मैं दिखा दूं। तो चलिए ये ऑप्शन का है, ऑप्शन पे इसको यूज करते हैं, और यहाँ पे आप लोग इंडेक्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन पे इसको यूज कर सकते हो। 101% ये नॉन रिपेंड इंडिकेटर है, ठीक है। और एक बार ये इंडिकेटर सिग्नल दे दिया तो उसके बाद ये हटता नहीं है, ठीक है, और ये वहां पे अच्छा से रह जाता है। तो आप लोग किसी को अगर ये इंडिकेटर चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, बट ये पेड सेटअप है। मैं यहाँ पे आप लोग को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरा टारगेट का लाइन है उसको मैं हाइड करके रखा हूँ, और यहाँ पे और एक मास्टर इंडिकेटर है उसको भी मैंने हाइड करके रखा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, और यह 10,925 का सी है मिड कैप का, ठीक है, मिड कैप निफ्टी का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये 9:15 को यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, हम लोग का मार्केट अभी ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे ओपन हो गया है। 1 मिनट में आप लोग को दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे ये ओपन हो गया है 9:15 को, देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं इसका हाई को जैसे ही ब्रेकआउट क्या करेगा यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना था 9:15 को, देख सकते हो।
यहाँ पे सिग्नल बना था, बट मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग का 70 के ऊपर ये जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना था और इस कैंडल के नीचे हम लोग कैसे था। और जो नीचे का मास्टर इंडिकेटर है उसने भी यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, और उसके साथ साथ मेरे जो टारगेट का लेवल से वो 95 के आसपास था और एक 120 के आसपास था टारगेट। तो वो भी मैं यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मेरा पेड सेटअप है। अगर वो सब मैं दिखा दूंगा तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं कौन सा इंडिकेटर यूज करता हूँ। तो इसलिए मेरा पेड सेटअप है और इसको डायरेक्ट आप लोग ऑप्शन पे यूज कर सकते हो। तो चलिए इसका हाई एंड लो को मार्क कर देते, तो देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया। उसके बाद फिर इसने रिटेस्ट किया, आप लोग को मैं दिखा दूं मैं नेक्स्ट टाइम आपको कहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था, ठीक है। और आप लोग जाके एक बार मेरा प्रीमियम ग्रुप है वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो, या तो फिर फ्री टेलीग्राम पे ग्रुप है वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाय का सिग्नल दिया था, यहाँ पे मैंने सिग्नल दिया था 72 से 74 के आसपास आप लोग को यहाँ पे एंट्री लेना था, यही मैंने दिया था। और इसका SL दिया था मैंने पहले 61 का था, यहाँ पे जहाँ पे बाय का सिग्नल दिया था 61 का मैंने दिया था SL। और उसके साथ साथ मैंने वो जैसे ही मार्केट ऊपर चला गया तो मैंने यहाँ पे 66 के आसपास मैंने यहाँ पे अपना SL को मॉडिफाई कर लीजिएगा बोल के मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था। अगर आप लोग को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो फ्री टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके एक बार आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसा परफॉर्मेंस किया है। देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इस मार्केट ने यहाँ से ये ऊपर गया और ये अभी आपके सामने ही चल चल रहा है। देखिए यहाँ पे 95 तक तो चला गया था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करने के लिए मैंने ऑलरेडी मैंने बोल दिया था अपने ग्रुप पे, उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये कहाँ पे फिर से ये आप लोग को यहाँ पे कैसा चला था वो ट्रेड, वो सब मैं आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये 117 तक चला गया था मार्केट, 72 से ये 72 74 से जिन्होंने एंट्री किया था आराम से यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट लेके गए हैं। तो ये 101% नॉन रिपेंड इंडिकेटर है फ्रेंड्स, ये कहीं पे भी ये आप लोग को लेगिंग का इंडिकेटर नहीं है, ये परफेक्ट टाइम पे और इसका प्राइस एक्शन के साथ इसका कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो लेवल्स जो आ रहा है ना इसका प्राइस एक्शन के साथ कनेक्टेड है। तो देख सकते हैं ये कैसा चल रहा है मार्केट, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे फिर नीचे आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग का ये सेटअप जो है ना ये ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, ये ऑलरेडी चल रहा है। देखिए अभी भी ये चल रहा है, ये लाइव ही चल रहा है, आप लोग को मैं दिखाने के लिए मैं ये सब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देखिए ये कैसा वार करता है। देखिए यहाँ पे इसने टारगेट दिया था, सुन लो तो, और क्या चाहिए बोलिए, 117 रुपया तक यहाँ पे आया था टारगेट, और उसके साथ साथ हम मेरा यहाँ पे ये क्लोजिंग है। तो ये मैंने दे दिया था अपना ग्रुप में कि ये 74 से ये 117 तक के मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव दिया है बोल के मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था। तो आप लोग को अगर यकीन नहीं हो रहा है तो फ्री टेलीग्राम का लिंक मैं आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे है, आप लोग जाके एक बार आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। किसी को अगर ये सेटअप चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है तो वहां पे मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा। और ये पेड सेटअप है, यहाँ पे आप एक बार जब एंट्री ले लेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको SL को टाइट रखना है और उसके साथ साथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली टारगेट आप लोग को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली टारगेट मिल जाता है। और SL आपको पता है जहाँ पे आपका बाय का सिग्नल बनेगा, जैसे यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही बाय का सिग्नल दिया है इस कैंडल के नीचे ही आप लोग का SL है और कुछ नहीं है। और टारगेट के लिए तो आप लोग को ऑटोमेटिक लाइन आ जाता है, वो इसको मैं यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ। किसी को अगर ये सेटअप चाहिए तो ले सकते हैं इसको, आप ऑप्शन बाइंग में आप निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किसी भी इंडेक्स में हो या किसी भी ऑप्शन में इसको यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इंडेक्स को देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, और ये 101% नॉन रिपेंड इंडिकेटर है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।